IPX7 पी एक्स सेवन वाटर प्रूफ मल्टी कार्ड स्लॉट और साइप सी यू तो चलिए खोलते हैं इसको तो बॉक्स को खोलने पे आपको सबसे पहले मिल जाता है एक यूजर मैनुअल प्रॉपर कुशनिंग की गई है और यहां पर हमें मिल जाता है हमारा मोटरसाइकिल नेविगेशन सिस्टम जिसमें कि तीन केबल्स हैं पीछे की ओर ये जो तीन केबल्स हैं एक से हम इसको पावर देंगे एक केबल में हमारा फ्रंट कैमरा लगेगा और दूसरे केबल में हमारा रियर कैमरा लगेगा इसको अभी हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं सो इन द बॉक्स वी गेट रियर कैमरा डबल साइडेड टेप मिल जाता है और कुछ स्क्रू मिल जाते हैं फिर हमें मिलता है फ्रंट कैमरा camera. इन कैमरेज को काफी अच्छे से हमें इंस्टॉल करना होगा ये कैमरा भी टेन है फिर हमें मिल जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसको हम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे देखिए मैं एफ डब्लू फ्रंट और रियर फिर हमें मिल जाता है इसको पावर देने का केबल एंड गाइस माइंड यू ये जो डिवाइस है इसको हम जब पावर देंगे तो हमें डायरेक्ट बैटरी से देना पड़ेगा बिकॉज दिस डिवाइस नीड्स प्रॉपर पावर सिस्टम टू रन फिर हमें मिल जाता है ये माउंट जो कि हमारी बाइक के हैंडल बार पर इंस्टॉल होगा ये हर चीज मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का टूल और हमें मिल जाता है ये सनशेड ये जो सनशेड है ये हमारी नेविगेशन सिस्टम पे इंस्टॉल होगा दिस वाज ऑल दैट वी रिसीव्ड काफ़ी ढेर सारी एक्सेसरीज हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना होगा जब हम इसको एक बार इंस्टॉल कर देंगे तो इस नेविगेशन सिस्टम के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे अगर हम पीछे की ओर देखें तो यहाँ पर हमें माउंट करने के लिए काफ़ी सा प्लास्टिक का माउंट मिलता है यहाँ पे कुछ हीट मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे लिखा हुआ है जीपीएस, और ओवरऑल जो बिल्ट क्वालिटी है वो काफी अच्छी है एक ही साइड में हमें सारे बटन्स मिलते हैं एक रिकॉर्ड का बटन लग रहा है जो नीचे वाला बटन है इससे आप वीडियो प्ले बैक करेंगे इससे आप होम पे जाएंगे और इसको ऑन एंड ऑफ करेंगे नीचे की ओर यहाँ पर हमें एस कार्ड लगाने का ऑप्शन दिख रहा है अब हम चलते हैं अपनी बाइक के पास और इस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं गाइस so सबसे पहले हम इस स्क्रीन को माउंट करेंगे इस हैंडल बार माउंट की मदद से चाहे हम यहाँ पे इंस्टॉल कर दें चाहे हम यहाँ पे इंस्टॉल कर दें या फिर यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेसर्स हैं इनको हम इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे ये देखिए और फिर इधर की ओर हम इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरीके से और फिर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैंडल बार पे माउंट करेंगे सो so गाइज़ ये वाला माउंट अब प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है अब हमें स्क्रीन को एक्चुअली इंस्टॉल करना होगा ये आप यहाँ पे देख रहे हैं इधर की ओर इस सिस्टम को देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर हमें पेंच डालना होगा और इधर की ओर इधर वाले पेंच को टाइट कर देना होगा सो गाइस हमारी स्क्रीन इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है इसका पीछे की ओर पूरा सिस्टम और अब हमें इस केबल को प्रॉपरली सेट करना होगा अब हम इंस्टॉल करेंगे फ़्रंट कैमरे को काफ़ी फिगर आउट करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो हमारा फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पर परफेक्टली इंस्टॉल हो सकता है फ्रंट कैमरा कुछ यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर मैंने वायरिंग को लेके गया हूँ और फिर जो बाइक की वायरिंग है उसके साथ इसको लेकर ऊपर आ गया हूँ अब हम इंस्टॉल करेंगे रियर कैमरा को और जो रियर कैमरे का प्लेसमेंट है वो ये मैंने प्लान किया है कि मैं कुछ यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा जो रियर कैमरा है उसका जो केबल है उसको मैं कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर रहा हूँ मैंने ये पेज खोल दिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा तो गई रियर कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है इसका केबल कुछ यहाँ से ले जाकर मैंने प्रॉपरली इसको यहाँ पर हाइड करते हुए यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा इसको फिर फाइनली आगे की ओर दोनों फ्रंट और रियर कैमरा का सेटअप है उसको लेकर आ गया हूँ अब हम इंस्टॉल करेंगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को यहाँ पर देखिए मैंशनड है फ्रंट और रियर तो ये वाला फ्रंट में इंस्टॉल होगा लेट मी शो यू हाउ वेरी सिंपल इसको ऐसे करके हमें रोटेट कर देना है और आपको हल्की सी हवा निकलने की आवाज़ आएगी एंड इट इज़ डन कुछ इसी तरीके से हमें रियर में भी इंस्टॉल करना होगा इसको हमें गोल गोल घुमा देना है और प्रॉपरली टाइट कर देना है अब हम इंस्टॉल करेंगे इसके पावर केबल को जो पावर केबल है वो भी सामने की ओर आ गया है नीचे की ओर जैसे मैंने रियर केबल को लेकर आया था मैं उसको लेकर आ गया हूँ अब मैंने इसको यहाँ पर प्रॉपरली सेट कर दिया है और अब मैं यहीं पर इसको हाइड कर दूँगा सो अब हम इसको एक्चुअल में पावर देंगे थ्रू दी बैटरी बड़ा सिंपल है ब्लैक वाला केबल है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल में इंस्टॉल करेंगे हल्का सा स्क्रू को ओपन करेंगे और ये देखिए ये ऐसे इंस्टॉल हो गया और हम स्क्रू को वापस प्रॉपरली टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से इसके बाद इसी तरीके से हम रेड वाले केबल को प्लस वाले टर्मिनल में इंस्टॉल करेंगे हल्का सा इसको ओपन करेंगे यहाँ पर यह देखिए ऐसे इंस्टॉल हो गया और इसको प्रॉपरली टाइट कर दिया सो so गाइज जो येलो वाला केबल है जो कि एसीसी सी लाइन है इसको मैंने इंस्टॉल किया है अपने फ्यूज़ बॉक्स में फ्यूज़ बॉक्स में मैंने किल स्विच में इसको इंस्टॉल किया है पहले तो मैंने इसको ऊपर से ही इंस्टॉल कर दिया था हावेवर मैं एक मैकेनिक के पास गया उसने इस पूरे बॉक्स को निकाल के इसको नीचे से इंस्टॉल कर दिया एंड इट इज़ लुकिंग वे क्लीनर नाउ सो यहाँ पर हमारा पूरा सेटअप हो चुका है सो so, अब हम सीट्स को इंस्टॉल कर देंगे सो so, ये जो ब्लैक वाला केबल है ये ब्लैक वाले इधर केबल में इंस्टॉल होगा कुछ इस तरीके से और प्रॉपर इसको हम वेदर सीलिंग करेंगे इसको टाइट करके फिर ये जो ग्रीन वाला केबल है इसको हम इंस्टॉल करेंगे इस रेड वाले केबल को हम रेड केबल से कनेक्ट करेंगे सो so, केबल्स यहाँ पर प्रॉपरली सेट हो चुके हैं और अब मैं आपको इसका फाइनल सेटअप दिखा देता हूँ जो फ्रंट कैमरा इंस्टॉल हुआ है वो यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है वेरी क्लीन लुक आई वुड से जो मेन सिस्टम है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और द बेस्ट पार्ट इस कि इसका जो वायरिंग है इसको मैंने यहाँ से ले गया हूँ नीचे की ओर पीछे से इसको खोल के मैं पीछे से ले गया हूँ और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर शो कर रहा है और जो रियर कैमरा है लेट मी शो यू वो इंस्टॉल्ड है नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर हमारा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है ये देखिए और ये देखिए फ्रंट में सो so, ओवरऑल इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी विल टर्न इट ऑन सो so, यहाँ पर हमने इसको ऑन कर दिया नीचे की स्क्रीन ऑन हो चुकी है और हमारी ऊपर वाली स्क्रीन भी वेलकम लिख गया है और यहाँ पे स्पीकर्स भी ऑन हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए हैं नाउ लेट अस गो थ्रू द सेटिंग्स एंड फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन दिस डिवाइस पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ड्राइविंग रिकॉर्डर का इसको हम टैप करेंगे तो हमारा रियर कैमरा जो हमने इंस्टॉल किया है वो एक्टिवेटेड शो करेगा स्वाइप करेंगे तो फ्रंट कैमरा शो करेगा दोबारा स्वाइप करेंगे तो रियर इधर दिख रहा है और फ्रंट वाला छोटे में दिख रहा है दोबारा स्वाइप करेंगे तो फ्रंट वाला बड़े में दिखेगा और रियर वाला छोटे में एक बार और स्वाइप करेंगे तो हमारा रियर कैमरा दोबारा वापस आ जाएगा अब जो अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का बटन वो है आपकी रिकॉर्डिंग को ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन मैंने इसको टैप किया देखिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है इसको टैप किया तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई इन जनरल बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग लगातार होती रहेगी फिर है ऑप्शन फोटो कैप्चर करने का वीडियो लॉक करने का अगर आप कोई वीडियो लॉक कर देंगे तो फॉर्मेट करने पे भी वो वीडियो कैप्चर्ड रहेगा नेक्स्ट ऑप्शन इज कि आप जो सराउंडिंग में ऑडियो है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ये वाला जो बटन है ये स्वाइप वाला ही बटन का, का काम करेगा कैमरे का जो व्यूइंग है वो चेंज होता जाएगा जो नेक्स्ट बटन है ये वीडियो प्लेबैक का बटन है इसको अगर हम टैप करेंगे तो पुरानी रिकॉर्डेड जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर शो करेगा लेट मी शो यू अब हमने मान लीजिए इसको ट्रेस किया फिर हमने इसको प्ले किया तो हमारा वीडियो आ रहा है फुल स्क्रीन करके भी हम देख सकते हैं यहाँ पे टैप करके ये देखिए फुल स्क्रीन हो गया और हम बैक आ गए अगला ऑप्शन है सेटिंग्स का जब हम सेटिंग्स में जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा कैमरा फॉर्मेट का तो हम 720p या 1080p में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अगला ऑप्शन है, है रेजोल्यूशन का क्यू एफ एच टी या फिर फुल एच टी में आपको करना है 1440p मैंने रखा हुआ है लूप रिकॉर्डिंग कितने सेकंड्स का एक एक वीडियो रिकॉर्ड होए तो मैंने तीन मिनट पे रखा है आप एक मिनट या पाँच मिनट पे भी रख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है जी सेंसर जी सेंसर में अगर हल्का सा भी इम्पैक्ट फील करेगी ये डिवाइस

कौन रखना होगा अब हम मेन मेन्यू में जाते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं जो जीरो परसेंट पर लिखा हुआ है ये हमारा स्क्रीन ब्राइटनेस है इसको हम बढ़ाएंगे तो ये देखिए हमारा स्क्रीन ब्राइट हो गया अभी मैंने जीरो परसेंट पे रखा हुआ है एंड स्टिल द डिस्प्ले क्वालिटी इज ऑसम जो नीचे वाला ऑप्शन है ये स्पीकर का है जो हम टैप कर रहे हैं तो जो आवाज आ रही है ये हंड्रेड पे रखा हुआ है एंड हंड्रेड परसेंट पे ही रखेंगे तभी आपको साउंड पता चलेगी फिर अगला ऑप्शन आता है एंड्रॉयड ऑटो का नाउ लेट मी शो यू हाउ एंड्रॉइड ऑटो वर्क एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एंड्रॉयड ऑटो पे टैप करना होगा फिर हमें अपने मोबाइल फोन के सेटिंग्स में जाना होगा यहाँ पर ब्लूटूथ में जाना होगा और अवेलेबल डिवाइसेस में एम फाइव जीरो थ्री डी टी शो करेगा पहली बार ही जो कनेक्शन होगा वो थोड़ा टाइम लेगा हाउ एवर इसके बाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा वी डोंट हैव टू डू एनी थिंग यहाँ पर हमने टैप किया पेयरिंग ये देखिए शो कर रहा है अलाउ एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल लॉग्स मैंने कर दिया अब ये कनेक्ट होना शुरू हो चुका है ये देखिए और हमारा वायरलेस एंड्रॉय ऑटो कनेक्ट हो चुका है हैव अ लुक गाइस जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो मैंने पहले ही बताया है वो एकदम परफेक्ट है हम मैप्स को फुल स्क्रीन में करके चला सकते हैं बस हमें मैप्स पे टैप करना होगा ये देखिए ये फुल स्क्रीन में आ गया सो एंड्रॉयड ऑटो कम्पलीटली डिसकनेक्ट हो गया है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वायरलेसली ये कैसे कनेक्ट होता है मैं इसको बस ऑन करूँगा ये देखिए वेलकम लिख गया है यहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुका है एंड गाइज ऑटोमेटिकली आर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो इज कनेक्टेड ये देखिए सो विद इन फ्यू सेकंडस ये परफेक्टली कनेक्ट हो चुका है एंड आई कैन यूज़ इट ऑन माई राइड्स सो गाइज नाउ वी विल हैव अ लुक हाउ एप्पल कापले वर्क एपल काफले को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना होगा इंटर कनेक्शन में जाना होगा और एप्पल काफले को टैप करना होगा फिर हम वापस जाएंगे तो हमारा एप्पल कापले शो करेगा एप्पल कापले को टैप करेंगे आईफोन में सेटिंग्स में जाएंगे और ब्लूटूथ में जाएंगे उसको ओपन करेंगे और ब्लूटूथ में हमें अदर डिवाइस में देखिए तुरंत शो कर गया है हैव अ लुक हमने इसे टैप कर दिया है ये ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट आ गया है मैंने इसको ऑन कर दिया अलाउ यूज़ कारप्ले यस और हमारा वायरलेस एपल का अपने कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सेटिंग शो कर रहा है यहाँ पर गूगल मैप्स है इस तरीके से हम जा सकते हैं सर्च कर सकते हैं और ये प्रॉपरली काम कर रहा है अगला आइकॉन जीपीएस इन्फो का है यहाँ पे आप जीपीएस इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपका जीपीएस कनेक्टेड है कि नहीं है नेक्स्ट ऑप्शन है पैनल का यहां पर एक पैनल शो करेगा जिसमें कि आपको ऊपर स्पीड दिख रही है यहां पर आपको डायरेक्शन दिख रहा है और साथ में आपको फ्रंट और रियर जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका जो डिस्प्ले है वो यहां पर शो करेगा अगला ऑप्शन है रीप्ले का जब हम रीप्ले टैप करेंगे तो रिकॉर्डेड वीडियोस जो हमने पहले देखे हैं वो यहां पर शो करेंगे द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेटिंग्स सेटिंग्स में काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा जब हम सेटिंग्स में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे इंटर मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपको एंड्रॉइड ऑटो चलाना

ट्वेंट psi शो कर रहा है फ्रंट में और 34 psi शो कर रहा है रियर में इसको अलार्म सेट कर दिया है 24 और 34 पे तो जैसे ही इससे कम होगा तो ये हमें तुरंत वार्निंग देगा फिर सेटिंग्स में नेक्स्ट ऑप्शन है स्पीड यूनिट का कि आप किलोमीटर पर आर में रखना चाहते हैं या फिर माइल्स पर आर में अगला ऑप्शन है स्क्रीन सेवर का स्क्रीन सेवर में हमें ऑप्शन है कि हम इसको कंप्लीटली स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाए तो अगर हम एक मिनट का रखेंगे तो ये कंप्लीटली ऑफ हो जाएगी स्क्रीन वॉल्यूम वॉल्यूम हम ये देखिए लो कर रहे हैं तो एकदम हमें पता नहीं चल रहा है हाई इज़ गुड फॉर वॉल्यूम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं देर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम सेटिंग का टाइम फॉर्मेट का ये आप खुद ही समझ गए होंगे फ़ोन ऑडियो का की वॉल्यूम का की वॉल्यूम को आप ऑन रख सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं आई थिंक ऑन रखने में ठीक है अब अगली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें आपके पास वाईफाई स्विच ऑप्शन है अब मान लीजिए कि मैंने इसको ऑन कर दिया वाईफाई स्विच के बगल में आप देख रहे होंगे ऑप्शन है ऐप का ऐप आप में आपको दो ऑप्शन मिल रहा है या तो आप रोड कैम ऐप डाउनलोड करिए या फिर आप सिक्स डिटेक्ट ऐप को डाउनलोड करिए मैंने अपने फ़ोन में ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है एंड लेट मी शो यू ये जो ऐप है इसका नाम है वीडियोर ऐप करके है मैं इसमें देखिए वाईफाई में जाऊंगा मोर में और मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे शो कर रहा है एम टी फ़ाइव जीरो थ्री डी टी वन टू थ्री फोर फाइव इसका पासवर्ड है मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एंड नाउ हैव अ लुक गाइस जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं हम बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन में सारा का सारा डाउनलोड कर सकते हैं बस हमें कैमरा फाइल्स में जाना होगा यहाँ पर कैमरा फाइल्स में हम टैप करेंगे और ये देखिए सारा का सारा फुटेज यहाँ पर शो कर रहा है बस किसी भी फुटेज को आप टैप करिए इसको डाउनलोड दबाइए एंड यू विल गेट दिस फुटेज इन योर फोन डायरेक्टली एंड हैव अ लुक कि कितनी जल्दी से यह डाउनलोड हो रहा है सो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो कि मैं पता लगाया थ्रू द सेटिंग्स एंड आई वॉज रियली इंप्रेस कि ये भी दे रखा है फिर अगला ऑप्शन है फॉर्मैट एस डी कार्ड का हम एस डी कार्ड को अगर फॉर्मैट करना चाहें तो इस बटन से कर सकते हैं रीसेट फैक्ट्री सेटिंग्स और ऐप वर्जन ऐप वर्जन में ही शो किया था कि हमारा वाई फाई मोड वाई फाई एस एस आई टी और वाई फाई पासवर्ड क्या है और इसी एप वर्जन से आप अपना स्कैन करके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सो so, ये हो गया सेटिंग्स और अगला ऑप्शन है ब्लूटूथ का सपोज आपके पास कोई इंटरकॉम है तो आप इसी ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे और मान लीजिए कि आप अपने ब्लूटूथ ईयरबड्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहीं से जाके कनेक्ट करेंगे अगर आपके पास कोई स्मार्ट हेलमेट है तो यहाँ से ही ये कनेक्ट होगा विद दिस डिवाइस और एक बार इस डिवाइस से जब कनेक्ट हो जाएगा तो डायरेक्टली हमारा फ़ोन भी कनेक्टेड रहेगा सो ओवरऑल ये था इसका सेटिंग्स और फीचर्स एक्सप्लेनेशन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज बताइएगा ये देखिए फ्रंट टायर लो शो कर रहा है और अब हम देखेंगे कि राइड करते समय ये डिवाइस ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस दे रहा है डे टाइम में विजिबिलिटी काफी अच्छी आ रही है डिस्प्ले पर इसका रियर कैमरा वीडियो फीड भी प्रॉपरली कर रहा है नो लैग एस सच रात में राइड करते वक्त मुझे डिस्प्ले को जीरो ब्राइटनेस पे रखना पड़ा मेनली बिकॉज आई वॉज एबल टू सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली एट दैट ब्राइटनेस लेवल वाला डिस्प्ले पैनल भी काफी अच्छा लग रहा है अगर हम डिस्प्ले ऑफ करके राइड करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं एंड माइंड यू सिर्फ डिस्प्ले ऑफ हो रहा है राइड रिकॉर्ड होती रहेंगी और अब हम देखेंगे कि यूनिट से वीडियोज एक्सट्रैक्ट करने के बाद वीडियो क्वालिटी कैसी मिल रही है ये है फ्रंट कैमरे का डे फुटेज और ये है रियर कैमरे का डे फुटेज नीचे की ओर टाइम स्टैम्प जीपीएस कोऑर्डिनेट एंड स्पीड शो कर रहा है जो कि काफी वाइटल इंफॉर्मेशन है ये है फ्रंट कैमरे का नाइट फुटेज और ये है रियर कैमरे का नाइट फुटेज